नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त जस्सी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड ऑल अप टू डेट। दोस्तों, दो दिन हो गए हैं जिसमें खेल खेल में वेदा और स्त्री टू यानी कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर स्त्री टू ने अपने झंडे गाड़ रखे हैं, बॉक्स ऑफिस को हिला दिया है अपनी दहाड़ से और किस किस के रिकॉर्ड तोड़े हैं स्त्री टू ने, वो भी इस वीडियो में बताएंगे और साथ में बताएंगे सेकंड डे का कलेक्शन तीनों फिल्मों का क्या रहा, किसको मिली है बढ़त और कौन गया है नीचे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं खेल खेल में मूवी जो कि अक्षय कुमार जिसमें लीड रोल में है, आमी विर्क है, आदित्य है और साथ में आपको फरदीन खान कम बैक करते हुए मिलेंगे। ये फुली कॉमेडी ड्रामा पिक्चर है और कहीं कहीं इमोशनल और हंसी हंसी के साथ आपको ये फिल्म जो है इंटरटेन करती है। तो बात करते हैं इसके फर्स्ट डे की, जहां इसने 5.5 करोड़ रुपए से इंडियन बॉक्स ऑफिस में ओपनिंग की और ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका कनेक्शन जो है वो अच्छा रहा। तो सेकेंड डे में ये है 4.5 करोड़ ही कमा पाई है। 15 अगस्त का ये फ़ायदा जो है फिल्म उठा नहीं पाई, इसलिए इसका कलेक्शन जो है ब्लो एवरेज रहा है। यानी कि टोटल हम बात करें यहाँ पे इंडियन बॉक्स ऑफिस की तो खेल खेल में 10 करोड़ रुपया कमाया है और टोटल अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो अभी तक ये फिल्म 16 करोड़ कर कमा चुकी है। दोस्तों, 100 करोड़ के बजट में बनी फिल्म, अक्षय कुमार अभिनीत और बड़े बड़े स्टार, ये अपना बजट जो है 100 करोड़ पूरा कर पाती है कि नहीं कर पाती है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल इसकी स्टार्टिंग जो है बड़ी ही लो रही है और ऑडियंस का तो रिस्पॉन्स इसको अच्छा मिल रहा है लेकिन कलेक्शन जो है वो खास यहाँ पे दमदार नहीं रहा है। अब बात करते हैं सेकंड एक्शन मूवी थ्रिलर फिल्म जो कि इस समय बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली पहली एक्शन ड्रामा फिल्म है, थ्रिलर फिल्म है। इसमें जॉन अब्राहम लीड रोल में है, श्रवती बाघ है, अभिजीत बनर्जी जी हैं जो कि एक खलनायक की भूमिका में है। बहुत ही अच्छा ये एक्शन ड्रामा है, पब्लिक की तरफ से रिस्पॉन्स भी इसको अच्छा मिल रहा है। बात करें यहाँ पे फर्स्ट डे की तो इसने अपना ओपनिंग कलेक्शन जो है 6.5 करोड़ रुपए से इंडियन बॉक्स ऑफिस में किया और वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो टोटल 10 करोड़ की ओपनिंग के साथ इसने शुरुआत की। अब सेकेंड डे की बात करें, लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलते हुए, हाउसफुल मिलते हुए भी ये सेकेंड डे में अपना लगभग कलेक्शन जो है बरकरार रख पाई है। सेम डे जैसा 5.5 करोड़ की यहाँ पे बड़े बड़े स्टार की ओपनिंग की फिल्म जो है अक्षय कुमार की 5.5 करोड़ रह पा रही है। तो यहाँ पे वेदा जो है जॉन अब्राहम की सेकंड डे में जो है 5.5 करोड़ कमा पा रही है। सेकंड डे अगर दोनों दिनों का कलेक्शन की बात करें वर्ल्ड वाइड यहाँ पे 18 करोड़ रुपये ये फिल्म कमा चुकी है, लगभग 80 करोड़ रुपये के बजट की ये फिल्म है और 18 करोड़ अपना कमा चुकी है। अब देखते हैं आने वाले समय में अपने बजट को पूरा कर पाएगी या फिर अपने बजट से ज़्यादा पैसा कमा पाती है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे स्त्री टू की जिसने बॉक्स ऑफिस के ऊपर अपनी दहाड़ को कायम रखा है, बॉक्स ऑफिस के जो सिंहासन को जो है उसके ऊपर अपना कब्जा बरकर रखा है। स्त्री डे जिसमें स्त्री टू जिसमें आप जानते हैं कि श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी और अच्छी यहाँ पे हास्य कॉमेडी और हॉरर मूवी ये पिक्चर है जहाँ पे श्रद्धा कपूर ने बहुत ही अच्छा इसमें रोल किया, उसके एक्शन भी यहाँ पे अच्छे हैं, डायलॉग भी अच्छे हैं और रोल स्क्रीन प्ले भी बहुत अच्छा है, लोगों के द्वारा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, काफ़ी अच्छा जो है रिस्पॉन्स पब्लिक इसमें दिखा रही है। तो स्त्री टू ने फर्स्ट डे अपनी जो इंडियन बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन है 54 करोड़ रुपये से अपनी ओपनिंग की जो कि सभी फिल्मों के वार, पठान, KGF 2, वेदर 2 और बाहुबली 2 का रिकॉर्ड ये तोड़ चुकी है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की अगर बात करें तो इसने 83 करोड़ रुपए जो है अपने फर्स्ट दिन में करवाया है जबकि इसका बजट सिर्फ 60 करोड़ रुपए का। ये ऐसी पहली फिल्म है जिसने अपने पहले ही दिन में अपने बजट से भी ज़्यादा पैसा जो है कमा लिया, अपने बजट की रिकवरी कर ली है। तो सबका रिकॉर्ड ये तोड़ चुकी है, आने वाले समय में देखते हैं और किस किस का रिकॉर्ड ये तोड़ेगी। अमर कौशिक की डायरेक्शन में ये फिल्म सेकंड डे में अपना इंडियन बॉक्स ऑफिस के ऊपर 32 करोड़ और ऑल ओवर वर्ल्ड बात करें तो यहाँ पे 45 करोड़ रुपए का बजट कमा चुकी है पैसा। और सेकंड डे अगर टोटल ऑल ओवर यहाँ पे इंडियन बजट की बात करें 86 करोड़ और ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म अपना 130 करोड़ कमा चुकी है, यानी कि अपने बजट का पैसा जो है पहले दिन ही फिल्म पूरा कर चुकी है। अब आने वाले समय में किस किस का रिकॉर्ड तोड़ेगी हम आपको बताते रहेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।